खंडवा सिविल लाइन थाना में दो पेटी कोरेक्स, 25,000 नगद, एक कार एवं दो आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रीवा पुलिस कप्तान ने निर्देशानुसार सभी थाना प्रभारियों द्वारा लगातार कोरेक्स सिरप एवं गांजा को पकड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। वहीं सिविल लाइन थाना में पुलिस द्वारा दो पेटी कोरेक्स सिरप, 25,000 रुपए नगद, दो आरोपी के साथ पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं रीवा एसपी राकेश सिंह ने मीडिया से जानकारी देते हुए कहा कि हम लगातार कोरेक्स गांजा के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। सिविल लाइन पुलिस ने कोरेक्स बेचने वालों के पास से एक कार भी बरामद की गई है, जिसमें आरोपी गाड़ी में पुलिस लिखवाकर कोरेक्स बेचने का काम कर रहे थे। वहीं रीवा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोरेक्स गांजा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और हमने सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए हैं, किसी भी थाना में कोरेक्स गांजा बिकना नहीं चाहिए। वहीं सिविल लाइन पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है। आइए सुनाते हैं रीवा एसपी राकेश सिंह ने मीडिया से क्या कहा। दरअसल कोरेक्स कहीं नहीं जा रही थी, इसी शहर में कोरेक्स की जगह जगह सप्लाई लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ों पे नियंत्रण करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और हमारा उद्देश्य है कि हम न सिर्फ आरोपियों को पकड़ें अपितु इनकी नेटवर्किंग है उस नेटवर्किंग को भी ध्वस्त करें और इसी दिशा में हमारा कार्य भी चल रहा है। हम आरोपियों को पकड़ते हैं, आरोपियों से जुड़े हुए नेटवर्क को भी हम खंगाल रहे हैं और बहुत तेज़ी से हम इस कार्य में लगे हुए हैं और हम इनका नेटवर्क भी ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और कोरेक्स गांजा और नशीली गोलियां, इंजेक्शन पे जो कार्रवाई चल रही है ये निरंतर चलती रहेगी। सर कितनी मात्रा में पकड़ी गई है? कोरेक्स दो पेटी करीब है। सर गाड़ी में पुलिस भी लिखा हुआ है? अब हमने गाड़ी नहीं देखी है, तो क्या है कि अपराधी नए नए तरीके ईजाद करते रहते हैं अपराध करने के लिए, और लेकिन यह है कि जब हम उनसे ज़्यादा बेहतर सोच लेते हैं तो हम कार्रवाई कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रयास रहता है कि वो जहाँ अपराधी सोचना शुरू करे उससे आगे हम सोचें। कई बार वो सफल रहते हैं लेकिन अंततः वो पुलिस के शिकंजे में आ ही जाते हैं।